दुर्गा अष्टमी व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी की कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था, उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई दी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई। परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतज़ार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतज़ार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है।